हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इग्नो गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बी सच ऑफ 101 का है। आपने इसके पहले जो वीडियो वॉच किया होगा, एक्चुअली क्या है कि जब वीडियो को हम एडिट करते हैं तो उसमें इसका फर्स्ट पार्ट जो था वो बाय मिस्टेक रह गया था, जिससे 1 से लेकर 23 तक के जो क्वेश्चन थे उनके आंसर आपको नहीं मिल पाए हैं। तो इस वीडियो में आप 1 से लेकर 23 तक के जो क्वेश्चन है उनके आंसर हम आपको बताएंगे। तो आप इसे देख लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, साथ में शेयर करिए ताकि अभी तक की वीडियो पहुंच जाए, लोगों को पता चले कि जो आंसर की है वो इग्नू गाइडेंस के द्वारा रिलीज कर दी गई है। जो हम आपको इसमें आंसर बता रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक यानी बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं और इसके बेस पे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका पेपर जो है कैसा गया है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर हम आपको नहीं बता पाए हैं, लेकिन यदि आपको उनको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ताकि अदर लोगों की हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं, ले लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 से 23 का फर्स्ट क्वेश्चन। उत्तर औद्योगिक समाज है, उत्तर औद्योगिक समाज जो है किस चीज का है ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 4। ठीक है ना, यानी कि एक ऐसा समाज जो औद्योगिक चरण पश्चात आया, जिसके एक्सेल सिद्धांत लासूस की भूमि से ज्ञान में परिवर्तित हुए। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो ज्ञान है वो भूमि से ज्ञान में परिवर्तित हुए, यानी लोग किसानी के बाद ज्ञान को भी इससे जोड़ने लगे औद्योगिक, उत्तर औद्योगिक समाज से। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण से हम क्या समझते हैं। तो देखिए, पुनर्जागरण का मतलब वही होता है तर्क के मानवतावाद की प्रभुता। ठीक है, यानी तर्क वितर्क ज्ञान और विज्ञान में यकीन करना ही पुनर्जागरण काल कहलाया। तो तर्क के मानवतावाद की प्रभुता पुनर्जागरण काल है। गांधी जी ने निम्न का मार्ग अपनाया था, तो गांधी जी ने अहिंसा और सत्य का मार्ग अपनाया था। नोम चोमोस्की ने जोर दिया था, नोम चोमोस्की ने किस पर जोर दिया था। तो देखिए, नोम चोमोस्की ने जो है ज्ञान को प्रचार में परिवर्तित होने से बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि लोग जो है ज्ञान को प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये जब एक तरह से पुनर्जागरण काल आया था उस समय से रिलेटेड ये बातें हैं, इसलिए ज्ञान को प्रचार में परिवर्तित होने से बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। कांस युग में क्या होता था देखिए, तो कांस युग में इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि प्रमाण मौजूद है जो सुझाते हैं कि भूमि व्यवस्थित रूप से और मरुस्थलों से रिक्लेम की गई और रिकॉर्ड स्तर पर भोज उत्पाद बने, यानी जो मरुस्थल उस समय के थे, ठीक है ना, और जो व्यवस्थित भूमि थी वहाँ पे खेती की गई और बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पे उत्पादन उनको मिला, यानी उन्होंने भोज पदार्थ उत्पादित किए। राइट आंसर 4 हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू एंड राइट आंसर हम आपको दे रहे हैं, कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं है। और जिस आंसर पर हमें लगेगा कि डाउट है वो भी हम आपको बता देंगे। आपको जिनका आंसर हम नहीं बता पा रहे हैं तो आप उनके जो आंसर हैं वो कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नौ पत्थरीय, ठीक है, न्यू स्टोन युग के सांस्कृतिक लक्षण समान तौर पर जो मोर्गन कहते हैं, यानी कि नौ पत्थरीय युग में जो सांस्कृतिक लक्षण दिखे थे तो मोर्गन उस युग को क्या कहते थे, उन्होंने उसको क्रूर युग कहा था, बर्बर युग। यहाँ पे क्रूर युग यूज किया गया है जबकि उन्होंने बर्बर युग कहा था। बर्बर और क्रूर का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, 50 लाख वर्ष पूर्व एक संपूर्ण पर्यावरण में रहने वाले प्रथम मानव को कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, पीकिंग मानव कहा जाता है। ये आपको एफएसटी वाले में मिल जाएगा। और आपसे गुजारिश करूंगी, जो लोग बीएसएचएफ का पेपर देने जा रहे हैं, जो मैंने एफएसटी के एमसीक्यू अवेलेबल करवाया है, क्योंकि वो आपके बुक से है, तो प्लीज उसे जरूर आप वॉच कर लें, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि जनरली दोनों में जो आपका सिलेबस है वो मिलता जुलता है। ज्ञान की तलाश में मानव ने क्या किया, तो विज्ञान और मूल्यों को क्रमिक रूप से खोजा। ज्ञान की तलाश में मानव ने विज्ञान और मूल दोनों को क्रमिक रूप में खोजा था। जादू के नियम, ये मुझे इसका आंसर जो है नहीं पता था, जादू के नियम का, इसे आप देख लीजिएगा। व्यक्ति जो ज्ञान की विषय वस्तु है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो है राजनीति और समाजशास्त्री मानव के बीच विभाजित हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। आप इनका राइट आंसर जरूर बता दीजिएगा। फ्रांसिस बेकन ने महत्व दिया, फ्रांसिस बेकन ने किस चीज पर महत्व दिया था।
इसका भी जो मुझे आंसर है नहीं मिल सका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अंधविश्वास और सॉरी अटकलों का ज्ञानवर्धन तरीका जो है फ्रांसिस बेकन ने इस पर महत्व दिया था, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 100 में से मैं 75 का भी आंसर बता देती हूँ, उसमें से आपके 50 भी सही निकल जाते हैं तो आप पास है। उत्तर औद्योगिक समाज को मार्क्यूस ने ऐसे देखा, उत्तर औद्योगिक समाज को मार्क्यूस ने कैसे देखा था, तो देखिए यहाँ पे इसका भी आंसर नहीं मिल पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि व्यवहारवादी विश्व के रूप में मार्क्यूस ने जो है उत्तर औद्योगिक समाज को देखा था। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, राष्ट्रवादियों द्वारा प्रतिपादित ड्रेन सिद्धांत किससे संबंधित है, तो देखिए ड्रेन सिद्धांत जो है 2 नंबर का सही है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय संपत्ति का एक महत्वपूर्ण भाग इंग्लैंड को निर्यात हो रहा था और जिसके बदले भारत को कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला। ड्रेन का मतलब ही होता है ड्रेन यानी निकलना, तो भारत का जो धन था वो इंग्लैंड जा रहा था, यहाँ का धन, यहाँ का सामान, यहाँ की खनिज संपदा कहाँ ले जाई जा रही थी, इंग्लैंड ले जाई जा रही थी, तो वही था ड्रेन। इंग्लैंड के औद्योगिकरण के साथ साथ यह हुआ, क्या हुआ इंग्लैंड के औद्योगिकरण के साथ साथ, तो देखिए यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो यहाँ पे बी, औद्योगिकरण की प्रक्रिया में भारतीय कपास उत्पादकों का पतन और नाश शुरू हो गया था और इसमें गांधी जी ने फिर इनका साथ दिया था। दूसरा थोड़ा सा इसमें मुझे लग रहा है डाउटफुल सा हो रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सारे जो क्षेत्र कपास और समेत मेन इसमें कपास का था, क्योंकि यहाँ पे कॉटन जो है कॉटन बहुत ज्यादा होती थी, कॉटन के वस्त्र भी बनाए जाते थे, तो यहाँ कॉटन का जो कॉटन जो है यहाँ इंग्लैंड ले जाता था भारत में, भारत से कम दामों पे, और वहां बाहर जाके इंग्लैंड में ले जाके वहां के बाहर देशों में बेचा करता था और ज्यादा पैसे कमाया करता था, तो कॉटन का स्थित औद्योगिकरण हुआ। तो ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है, मुझे सही आंसर इसका ये लग रहा है। बिल राइट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। ओके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोफेसर सुमित सरकार इस मत के थे, देखिए इसका भी जो आंसर है मुझे नहीं मिल पाया है। 16 क्वेश्चन ले लेते हैं कि थॉमस मैकाले के अनुसार औपनिवेशिक शिक्षा नीति का उद्देश्य था, वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक ऐसे व्यक्तियों का एक वर्ग बनाना जो रंग और खून से भारतीय हो परंतु रुचि राय नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेजों। मैकाले जो थे जिन्होंने शिक्षा नीति का सिद्धांत लाया था, निष्पंदन सिद्धांत लाया था, ठीक है, ड्रेन थ्योरी जो लेके आए थे, उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा का उच्च स्तर से निच स्तर की ओर अच्छन छन के जाना, तो वो ऐसा मानते थे कि लोग जो भारतीय हैं भले रंग खून से वो भारतीय हों लेकिन वो हमारी अंग्रेजी शिक्षा को अपनाएं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है, बाल गंगाधर तिलक का है। इसी तरह से चंपारण में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों का संघर्ष किसके विरुद्ध था, तो देखिए यहाँ पे नील के उत्पादन के, चंपारण में नील का था और जो आपका खेमा था, खेरा खेमा था शायद, वहां पे कपास का उत्पादन का था, ठीक है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो गए आप कपास और नील में। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसकी प्रतिक्रिया के रूप में हुई थी, तो देखिए 1905 में बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में जो है स्वदेशी आंदोलन आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं फास्ट इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि आपका वीडियो लेंदी बनेगा, 100 इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उग्रवादी आक्रामक राष्ट्रवादी राष्ट्रवादियों में यहाँ पे आपको बताना है किनकी क्या नीति थी उस समय, तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि सेकंड, वे महसूस करते थे कि औपनिवेशिक शासन के अच्छे इरादों पर भरोसा गलत था। आई थिंक मुझे ऐसा इसका सही लगता है, बिल इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। अगर जिस पे मैं कंफ्यूज हूँ मैं क्लियर बोल रही हूँ, लेकिन जो सिर्फ जिसका मैं आंसर आपको बताते चल रही हूँ मतलब वो बिल्कुल राइट 100% राइट आंसर है। ओके अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, गांधी जी ने डांडी यात्रा का नेतृत्व किया था, डांडी यात्रा क्यों की थी, तो नमक बनाकर औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने के लिए, यानी नमक बनाने बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था, डांडी यात्रा की थी। ओके अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, 22 हम ले लेते हैं, 22 में 1922 में चौरा चौरी हिंसा के बाद गांधी जी ने क्या किया था, तो देखिए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ओके ये इसलिए हुआ था, बढ़ाया नहीं था उन्होंने, एक्चुअली क्या हुआ था कि 1922 में चौरा चौरी एक जो पुलिस थाना था वहां पे लोगों ने आग लगा दी थी, वहां पे 22 पुलिसकर्मियों की, अंग्रेज पुलिसकर्मियों के, कुछ भारतीय भी थे, भारतीय थे, उनकी मौत हो गई थी, तो गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था इस चीज से, उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है ना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के आगाज के साथ गांधी जी ने व्यक्तियों को क्या करने के लिए कहा, करो या मरो का नारा दिया था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। ओके
तो फ्रेंड्स ये था आपका आंसर की जो कि 1 से 23 तक की जो क्वेश्चन है वो बाय मिस्टेक रह गए थे। और इसके यदि आप क्वेश्चन बुकलेट की बात करेंगे क्वेश्चन पेपर की, तो वो जो फर्स्ट हमारा वीडियो डाला हुआ है आंसर की का, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ सकते हैं 8279584910 से। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।